पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ग्राम मोड़ागढ़ के प्राथमिक विद्यालय में जनपद स्तरीय 10 दिवसीय समर कैंप का समापन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी एवं कार्यक्रम अध्यक्ष बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी ने फीता काट कर शुभारंभ किया, जिसके बाद बच्चों ने सरस्वती वंदना एवं गणेश वंदना प्रस्तुत की, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में देशभक्ति एवं शिक्षा के प्रति जागरूक किया। इसी दौरान शिक्षिकाओं ने कवि सम्मेलन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम संयोजिका शालिनी सक्सेना द्वारा लक्की ड्रॉ का आयोजन भी किया गया, जिसमें लक्की ड्रॉ निकालने वाले 10 प्रतिभागियों को वातावरण शुद्ध करने के लिए एक लोटा जल भरकर भेंट किया, जिसके द्वारा शपथ दिलाई गई। प्रत्येक प्रतिभागी को 5 पौधे अवश्य लगाने होंगे, जिसमें शालिनी सक्सेना ने सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान समर कैंप में सभी प्रतिभागियों को एवं शिक्षा शिक्षिकाओं को अच्छा प्रदर्शन करने सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेविका संगीता भार्गव, डॉक्टर कविता गुप्ता, मीरा शर्मा, पुष्पा बोध एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। 10 दिन के समर कैंप का समापन दिवस है, आप सब भी यहाँ मौजूद रहे हैं। बच्चों की प्रतिभाओं का जो यहाँ अध्यापक है उनको बाहर प्रस्फुटित किया है, बच्चों को एक इनाम सभी को दिया है इनके प्रोत्साहन के लिए। एक और कलश की यहाँ शपथ खाई गई है कि हर बच्चा, हर अध्यापक, हर पत्रकार बंधु, हम सब इस वित्तीय वर्ष में 5 वृक्ष लगाएंगे। वृक्ष लगाना बहुत आसान है, वृक्ष को लगाएंगे ही नहीं, वृक्ष को जीवित रखेंगे। दूसरा संदेश जो यहाँ मैडम है उन्होंने बड़ा अच्छा अपनी कविता के माध्यम से दिया है कि वृक्ष को हमें काटना नहीं है, वृक्ष से जो फल फूल है उसी का उपभोग करना है, बिजली बचाना है, पानी बचाना है, पर्यावरण सुधारना है। ये सब उद्देश्य यहाँ के अध्यापक बंधुओं ने अपनी अपनी कविता के माध्यम से दिए हैं। बच्चों ने इस 10 दिन में काफ़ी सीखा है, जो उन्होंने अपने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, और बहुत ही अच्छा समर कैंप यहाँ 10 दिन रहा। इसमें मैं बताना चाहूँगी विशेषता क्या है कि हमारे बेसिक के शिक्षकों द्वारा बेसिक के बच्चों का ये समर कैंप लगा है 10 दिन में, और प्रत्येक दिन कोई ना कोई स्वयंसेवी संस्था आई है हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारे शिक्षकों का उत्साहवर्धन करने के लिए, और सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और प्रतिभाएँ देखने को मिली हैं। यहाँ पर इन बच्चों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक पक्ष मजबूत करने के लिए हमने ये हरियाली जहाँ खुशहाली वहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य यह है जिस तरह से वृक्षारोपण से पर्यावरण हरा भरा रहता है, उसी प्रकार से खुशहालपूर्ण सकारात्मक विचारों से हम इस समाज को खुशहालपूर्ण दिशा दे पाएंगे, और ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं, और भविष्य की धरोहर को यदि भविष्य के कर्णधार संभालेंगे तो इसे कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर पाएगी। और आज के कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाने के लिए मैं अपने सभी बच्चों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का, जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का और मीडिया कर्मियों का, पत्रकार बंधुओं का, सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। अपना शुभकामनाएं देती हूँ बच्चों को कि ये बच्चे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें और इस देश का नाम ऊंचा करते रहें, क्योंकि भारत जहाँ की बढ़ती जनसंख्या विकास में अवरोधक है, वहीं यदि प्रत्येक व्यक्ति एक एक वृक्षारोपण करने लग जाए और उसको जीवित रखे तो हमारा विश्व में तो नाम, भारत का नाम रोशन होगा ही, साथ में हम अपनी पृथ्वी को सुसज्जित कवच देने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। समर कैंप के समापन समारोह में यहाँ हरियाली जहाँ खुशहाली वहाँ ये सब कार्यक्रम कराए गए। यहाँ पर बच्चों का 10 दिवसीय कैंप में बच्चों ने ढेर सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सीखा, हमारे टीचर्स उन्हें जीवन उपयोगी कई कौशल विधाओं में उन्हें पारंगत किया। इस तरह से उन्हें ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सृजनात्मक सभी तरह के शिक्षा दी गई। जैसा कि यहाँ पर हमारे टीचर्स बच्चे को हरियाली जहाँ खुशहाली वहाँ के नाम पर सबको प्रतिज्ञा कराई गई कि सभी लोग, हम सभी लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम 5 पेड़ लगाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए आज इसकी बहुत आवश्यकता है। जन जन तक यह संदेश पहुँचे, हम सभी लोग अधिक से अधिक पेड़ों का रोपण करें, न केवल रोपण करें उन्हें जिंदा करें। मैं सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और यह इस तरह के समर कैंप हमारे सभी विद्यालयों में हों, जिससे बच्चे, न केवल बच्चों का इनरोलमेंट बढ़े हों, बच्चों विद्यालयों में ठहरा हो,
उनमें गुणवत्ता के गुणवत्ता भी जो लक्ष्य है गुणवत्ता संवर्धन का, उसको हम लोग सब प्राप्त करें।